सोनू निगम रंग चुके हैं छठ के रंग में। आपको बता दें कि इन दिनों वो कोलकाता में है, वहीं से उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है। आप उसे सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं सोनू निगम के और पवन की केमिस्ट्री के बारे में। थैंक यू बोलना चाहूंगा पवन सिंह को और पवन के जो चाहने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे गाने को इतना बड़ा किया। मैं जानता हूँ कि एक्चुअली सारा श्रेय, सारा क्रेडिट जाता है पवन को, मुझे नहीं जाता, और पवन की वजह से गाना इतना बड़ा हुआ है। तो थैंक यू पवन, और थैंक यू यूपी और बिहार के जितने भी हमारे निवासी हैं जो छठ को मानते हैं आज के व्रत के लिए। सभी को बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्रार्थनाएं। तो सुना आपने, उन्होंने पवन सिंह को और साथ ही साथ छठ पर्व पर सभी को शुभकामनाएं तो दी है, साथ ही साथ उन्होंने पवन सिंह को बहुत सारा प्यार दिया है। वैसे आपको बता दें कि पवन सिंह की इतनी तारीफ भोजपुरी वाले नहीं कर रहे हैं जितनी तारीफ हिंदी जगत वाले यानी कि बॉलीवुड वाले कर रहे हैं। जो लोगों के साथ पवन सिंह जुड़ते हैं, फिर वो चाहे पायल देव हो या फिर सोनू निगम हो या फिर आने वाले दिनों में बादशाह हो, ये सब पवन के आवाज़ के साथ साथ पवन के व्यवहार की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोनू निगम इन दिनों कोलकाता में हैं और वो एक बहुत बड़ा शो कर रहे हैं। शो के दौरान उन्हें जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिला, थोड़ा ही ब्रेक मिला, उन्होंने छठ पर्व पर सभी को शुभकामनाएं देना और साथ ही साथ अपने और पवन के गाने को इतना बड़ा हिट बनाने के लिए दर्शकों का शुक्रिया अदा करना वो बिल्कुल नहीं भूले। तो आप क्या कहना चाहेंगे पवन सिंह के इस मैसिव हिट के बारे में और सोनू निगम के इस स्वीट गेस्चर के बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।